राजस्थान में चुनावी वर्ष चल रहा है और सियासी गतिविधियां और हलचलें इस वक्त परवान पर हैं। राजस्थान की भाजपा पार्टी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आती है। भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव किया है। चुनावी वर्ष में ये बदलाव क्या पार्टी के लिए हितकारी होगा या नुकसानदायक होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बात कर लेते हैं, प्रदेशाध्यक्ष पद पर यह बड़ा बदलाव हुआ है। सांसद चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को अध्यक्ष पद की कमान दी गई है, वे सतीश पूनिया की जगह लेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी उमेश हैं, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये बदलाव भाजपा के लिए हितकारी होगा या नुकसान होगा। सतीश पूनिया को हटाकर एक नई जिम्मेदारी सांसद सीपी जोशी को दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष पद पर, किस तरह के क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीपी जोशी निर्विवाद चेहरा है, उन पर किसी तरह का विवाद नहीं है। पहले भी उनका प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम चला था, उस समय सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जहाँ तक बात है, जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए ये कवायद की गई है, क्योंकि देखिए पिछले दिनों जब जयपुर में विप्र महाकुंभ हुआ, उससे पहले जिस तरह से जो कांग्रेस सरकार है वो ब्राह्मणों के हित में कई फैसले कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक छिटके नहीं, उसको अपनी तरफ लेने के लिए बड़ी कवायद की गई है। और सीपी जोशी एक ऐसा चेहरा है जो न किसी गुटबाजी में है न किसी खेमे में है, वो बिल्कुल निर्विवाद चेहरा है और दो बार से लगातार सांसद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव किससे उनकी नज़दीकियाँ हैं, देखिए भूपेंद्र यादव बीजेपी के एक तरह से मान सकते हैं कोर सदस्य हैं, जो कि बीजेपी की नीति निर्धारक जो लोग हैं उनमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं सीपी जोशी को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साफ तौर पर एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए काम करता रहेगा, उसे ही इस तरह के पदों से नवाजा जाएगा।